बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का एक बेहद खास सेमिनार। वैसे तो सेमिनार्स लगातार चलते रहते हैं, लेकिन इस बार 26 नवंबर को लैंडमार्क इमिग्रेशन का चंडीगढ़ में 17 सेक्टर के लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में एक खास सेमिनार है। और इस बार पीटीई और जो रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास ऑप्शंस लैंडमार्क की टीम की तरफ से दिए जाएंगे। बेहद खास ऑप्शंस पे लैंडमार्क की इमिग्रेशन टीम काम कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को पीटी के लिए और रीअप्लाई केसेस के लिए तुरंत उनकी एजुकेशन और उनके पीटी पॉइंट्स के रेलेवेंट कोर्सेज ऑफर किए जा सकें। और इसके अलावा आप एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी के लिए भी इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, उनसे बात करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी मैंने जो बातें बताई वो तो है ही हैं, लेकिन आप इस सेमिनार को किस तरह से देखते हैं? सो 9 कॉलेजेस के या 10 कॉलेजेस के नुमाइंदे इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली नॉर्थर्न कॉलेज टिमिन्स, लॉयलिस्ट कॉलेज ओंटारियो, बेलविल कैंपस के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर एलिस्टर रोयान, कैम्ब्रियन कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, लसाल कॉलेज कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव। सो 9 सरकारी कॉलेजेस के और रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। तो स्टूडेंट्स के पास एक कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती है कि कॉलेज के नुमाइंदों को हम डायरेक्टली मिल सकें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकें कि आर वी एलिजिबल, एंड स्टूडेंट्स चेक कर सकें कि अगर वो एलिजिबल हैं तो वो अपने वीज़ा उसी टाइम अपनी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकें। सो स्टूडेंट्स, लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है जो केसेस एसिक्स ईच के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप रिफ्यूज्ड हैं तब भी लैंडमार्क इमिग्रेशन का जो वीज़ा सक्सेस रेट है पिछले कुछ सालों से कहूँगा या कुछ इतनी देर से कि जो भी डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनको हैंडल करने की जो हमारी एक्सपर्टाइज है वो हमेशा ही रहती है, क्योंकि एक्सपर्ट टीम है एंड इट्स अ टीम एफर्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इनपुट्स तो मैटर करते ही हैं, बट इट्स अ टीम एफर्ट कि हम रिफ्यूज़ल, मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल वाले केसेस भी कहूँगा, 6 बार 7 बार वाले बच्चों को भी वीज़ाज मिले हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन से। और जिनको कोई जैसे बहुत ही अच्छी प्रोफाइल, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जो दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी से 2 बार रिफ्यूज़ हो गया था, और 8 बैंड्स थे बच्चे के, और उसका वीज़ा लैंडमार्क इमिग्रेशन से आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे 8 बैंड 7 बैंड वाले जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और लैंडमार्क इमिग्रेशन ने उनका वीज़ा अप्रूवल में उनकी गाइडेंस की, मैं कहूँगा हेल्प तो आप खुद अपनी करते हैं बट जो गाइडेंस है वो लैंडमार्क इमिग्रेशन दे सकता है। सो कोई भी स्टूडेंट्स अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डिफ़िकल्ट प्रोफाइल है या कोई भी उनको लगता है कि उनके केस में कोई प्रॉब्लम है, तो इस सेमिनार का हिस्सा ज़रूर बने। और अगर आप आने वाले इनटेक्स में अप्लाई करना चाहते हैं मई या सितंबर में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस से ऑफ़र लेटर विद इन 24 आवर्स आपको मिल सकती है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसके अलावा, आपको कोई स्कॉलरशिप्स में गाइडेंस चाहिए बिकॉज देर आर यूनिवर्सिटीज एंड फ्यू कॉलेजेस हु आर ऑल्सो गिविंग स्कॉलरशिप, तो उसके लिए भी आप कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलके क्लैरिटी कर सकते हैं। सो 26 नवंबर सैटरडे हमारे 17 सेक्टर के ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, 10 to 5 ये सेमिनार रहेगा, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 9041390412 पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और साफ है कि 9 पब्लिक और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, सो 9 कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कनाडा से, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास तौर पर जसमीत जी जो कॉलेजेस आ रहे हैं, क्या वो पीटी से भी एक्सेप्ट करेंगे उनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस? सो काफ़ी सारे कॉलेजेस यस पीटी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आप टोरंटो अप्लाई करना चाहते हैं, सस्कैचुअन अप्लाई करना चाहते हैं, मैनीटोबा अप्लाई करना चाहते हैं, ओंटारियो अप्लाई करना चाहते हैं, नोवा स्कोशिया अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया अप्लाई करना चाहते हैं, मॉन्ट्रियल अप्लाई करना चाहते हैं, क्यूबेक अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रोविंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। नियरेस्ट हमारी ब्रांचेस भी जलंधर, बठिंडा, मोगा, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली में खुली रहेंगी, आप इन ब्रांचेस में विजिट करके अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत। थैंक यू सो मच।